चलो भाई, समय चलो भाई। नमस्कार, भारतीय न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विनोद गुराना की राम राम। इस समय पेटवाड़ गांव में तो लाइव जुड़ गए हैं पूर्व वित्त मंत्री कपिल अभिमन्यु जी का। इस समय यहां पे 10 से 20 प्रोग्राम के आसपास बताए गए हैं और एक घंटा लगभग यहाँ हो चुका है। और इस समय पेटवाड़ गांव तो इस समय लाइव मौजूद है। ये जगलो मंडा सियाले और भाई, इस समय पेटवाड़ गांव में तो लाइव जुड़ गए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? बलजीत है। कहाँ से हो? भगत सिंह खंडा केड़ी से। तो इस समय जो पूर्व वित्त मंत्री जी का लगातार जो चाय पानी के जो प्रोग्राम है, इस समय पेटवाड़ गांव में मौजूद है, क्या लगता है आपको इस गांव के अंदर कितने जो समर्थक है वो पहुंच गए? खूब समर्थन मिल रहा है जी। चम्मन प्रोग्राम है आज पेटवाड़ में। चम्मन प्रोग्राम है। एक कैंडिडेट का गांव है सर। बेशक हो सर, चम्मन प्रोग्राम है। बिल्कुल जीत के निकलेंगे पेटवाड़ से भी। काम कर आपना मैं बताए तुम जस्सी पेटवाड़ का गांव है। कोई बात नहीं जी, कैप्टन साहब ने काम कर रखे है। स्कूल है, कॉलेज है, ITI है, बिजली है, पानी है, एक एक किला की भी खंड बना रखी है बाबू जी कैप्टन साहब ने। हाँ, एक एक किला की भी खंड है। कोई खंड नहीं हल्का में जो कच्ची हो। जबरदस्त पानी आ रहा, नए रजबाए बना रखे हैं। फसलों के भाव देख ले, कांग्रेस में जो भाव दे फसल के यहाँ डबल भाव है। कोई हाँ, सारी फसल MSP पे। कांग्रेस के टाइम में क्यों MSP पे बिकती थी, यहाँ फसल सारी MSP पे बिक रही है। कोई काम में काची नहीं छोड़ रखी जी। बिना पैसे की नौकरी मिल रही है बाबू जी, बिना खर्ची पर्ची की। ढाई जिले में नौकरी मिले अगर थी, यहाँ सारा हरियाणा नौकरी मिल रही है। बुड्ढा साहब नौकरी लग रहे, सबसे ज्यादा नौकरी तो मन ने दे रखी है। बुड्ढा साहब ने 80,000 दी थी, यहाँ तो 1.5 लाख नौकरी दे रखी है 10 सालों में। फिर यहाँ पे कुछ अगर नीचे नीचे चल गया होगा। नीचे नीचे कुछ भी नहीं चल रहा जी। नीचे नीचे कहाँ से, जब इंटरव्यू नहीं है नीचे नीचे कहाँ से। जो लड़का पास हो गया उसकी मेरिट बनेगी, उसको नौकरी मिलेगी। नीचे नीचे कहाँ चलेगा? नीचे नीचे तो वहां चलती थी खर्ची, और वहीं चलती थी पर्ची। ढाई जिले थे बस, यहाँ खर्ची ना पर्ची, ना यहाँ ना खर्ची, सीधी नौकरी, सीधी नौकरी। किस तरह से देखते हो आज का यू प्रोग्राम आज इस गांव का? आप माहौल देख ले, 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। अच्छा, जबरदस्त तगड़ा प्रोग्राम है जी। कितने प्रोग्राम मैक्सिमम? चम्मन प्रोग्राम है आज पेटवाड़ में। चलो तब राम राम। ठीक हो? ठीक। कुछ माहौल है गांव में? गांव में पूरा माहौल है। राम राम। ठीक हो? ठीक भाई। क्या कुछ माहौल है पेटवाड़ में भाई? सबकी में एक फसल है क्या दिखे है? एक फसल है क्या दिखे है? और की भी है, मैं तो दिखे से थोड़े ताऊ जसिया गांव में। ओ फिर की बात हुई भाई? की बात हुई? एक कैंडिडेट का गांव है। बात नहीं, वोट बतेरी है ना? बतेरे हैं। जिता दोगे? कितने वोट आते हैं भाई? न्यू तो की गिनती लग रही है। आप जीतेगा? 3,000 वोट तो कम से कम है यहाँ से। 2,500-3,000 एक कैंडिडेट का गांव है। हाँ, बहुत मायने रखा था वो। जब मैं अंडरग्राउंड देख लियो तो बोले खुलेगी। अच्छा, एक तरफा हो रहा। हाँ। राम राम। राम राम भाई। कैसे हो? ठीक है भैया। क्या कुछ माहौल है गांव में? माहौल आप देख लो, आपकी आंखों से बढ़िया है। क्या लगता है आपको कितने जो इस गांव में कितने जो है वोटर बाहर निकल के आए? इस वोटो इसे गांव से करीब करीब 2,500 वोट ले गया। 2,200-2,300। नमस्कार, मैं जोगिंदर कश्यप BC से हूँ। मैं BJP की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी सरकार बनेगी, और कैप्टन अभिमन्यु को बड़ी भारी मतों से जिताएंगे। ये कैसे संभव हो सकता? संभव नहीं, जीतेगी जीतेगी। इतनी बढ़िया सरकार है भाई साहब, बिना खर्ची वर्ची बालक लागे है सब। जो मेरिट में पास साहब का स्टेटमेंट है कि मैं 2 लाख नौकरी देंगे। उड्डा साहब की स्टेटमेंट, उड्डा साहब ने तो साल में रुपया में बालक लाए है। हमारे भी 2 बालक लाग रहे हैं जिनमें, और BJP में फ्री में बालक लागे भाई साहब।
अच्छा हाँ बिना खर्ची पर्ची। पर अब की बार कैप्टन साहब का कह रहा हूँ, कैप्टन साहब जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। लोग ना कैप्टन साहब का सरिया भी ना 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 कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो तो लोग बकवासबाजी मारे है करें भाई साहब। कैप्टन साहब वो मंत्री है जो मंत्री का पहला आदमी लगा सागर दे। कैप्टन साहब तो मिल के चलते है भाइयों से, एक छत्ती बरादरी से साथ मिलके। जे फिर थापे तो लगन लगी ना 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 मतलब ही नहीं कुछ वाले पता नहीं। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया है, ठीक है, ठीक कुछ मोल फिर है? मोल बढ़िया है, एक तरफा एक, एक तरफा है कैप्टन का, उसमें फुल बढ़िया सिस्टम है। कम से कम चलो एक दो साथी और खड़े हैं। राम राम भाई साहब, क्या कहाँ पे हो? खंडा खेड़ी भाई। खंडा खेड़ी पेटवाड़ गांव में को नहीं? ना भाई, थोड़ा खंडा का। क्या कुछ बोल रहा फिर? बोल तो भाई साहब, तो दिखने में रहा है एक डेढ़ किलोमीटर की लंबी लाइन। डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन है, पूरी लंबी लाइन है भाई। जनता तने देखने लग रही है, जनता का देख ले, जोश देख ले, उत्साह देख ले, युवा बालक देख ले, युवा संगठन देख ले, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा देख ले, तू देख ले सब सोता दिखने लग। जबकि बार कैप्टन साहब के नैया पार हो गया, नैया पार के लगते 50,000 प्लस कोटा जिता जाएंगे। 50,000? हाँ 50,000 प्लस पार। ये कमेंट में लोग मर गए, सत मारो 50,000 कोटा जिता है सब नू तैयार दुनियादारी के बरा कौन के कह दे मेरा पक्कू है लेने पक्कू नू कहने का के मेरा का। जनता है, जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला होगा निर्णय होगा, और जनता गलत को नहीं करा मेरे भाई। जो निर्णय लिया जाएगा वो तो 5 तारीख ना मेरा पड़ जाए, 5 के बाद 8 ना फैसला हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? सतीश कुमार जी। तो क्या कुछ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया माहौल है जी। मुंडा सरकार में पर्ची खर्ची सब कुछ चलिया करता जी, अस्टे आकर लोग रपीजे करवा करते जी। आजकल के है ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची, बगैर पर्ची के लागे जी। महाराज घर में दो नौकरी लागे जी बगैर पर्ची के जी, कोई पैसा ला गया कुछ भी जी। बहुत बढ़िया सरकार है जी, इस पर जितना सरकार आई ना आवे जी। हाँ जी, फिर अनुका कैप्टन साहब का आपकी बार मतलब पेटवाड़ में तो वोट खूब आप देखो जी, पेटवाड़ में वोट कौन गई है? चम्मन प्रोग्राम है जी आज भी, इनू का वोट कौन, कौन का वोट कौन? इतने प्रोग्राम चम्मन है जी, चम्मन प्रोग्राम। हाँ जी, ये बाप नु को वोट कौन, बगैर वोट कैसे प्रोग्राम होगा जी ये बताओ। ये पब्लिक देखो ही नहीं, लोग कदे नु कदे चम्मन ने वोट है ना जी। ये तो माहौल देखो आप, आपने को दिखता के अगर हम स्पेशल दिखावा हनु बताओ, आपने भी दिखता होगा। तो नारण तले कोड़ता जी लाइन बहुत टूटी है, इतनी वो है जी लोगों का बड़ा जी। 5 साल हो दिया हमने ये रड़की का डांगे जी, 5 साल लड़ी। हाँ जी, अच्छा पूरी पूरी मन में ले रहे, पूरी जमा बिठा रखी है जी। ये कहते कि मैं दिक्कत हो ना जी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों होती, पूरी मन में है, 5 साल पर पूरी करनी है कड़े। हाँ जी, चलो भाई, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हो, पेटवाड़ गांव में इस समय मौजूद है, और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू जी इस समय पेटवाड़ गांव में जो कार्यक्रम है, लगातार जो प्रोग्राम है पेटवाड़ गांव में 50 से 60 प्रोग्राम बताए गए यहाँ, जो उनके जरिए जो उनके समर्थक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, और कैसे? बढ़िया जी, इसकी आवाज कौन है? सर क्या कुछ माहौल है ये पेटवाड़ गांव में इस समय मौजूद है, और लाइव आपको लोग सुन लग रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया माहौल है भाई साहब, बहुत बढ़िया है गांव हल्के में गुआड़ में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी छवि का नेता है। सर एक कैंडिडेट का गांव है ये पेटवाड़ गांव, और पूरा पेटवाड़ गांव ने समर्थन कर रखा है पेटवाड़ जी को? नहीं, गांव मैं तो कैंडिडेट तो है ही है गांव का तो, लेकिन कुछ पार्टी के भी होते हैं, कुछ अपने दूसरे नेता को बिछाने वाले लोग होते हैं। क्या कुछ लगता है आप लोगों को इस गांव से कितने वोट है कैप्टन साहब को? लगभग 50% निकल। 50%? यस सर, एक कैंडिडेट का गांव है 50% कैसे? कैंडिडेट का गांव तो क्या हुआ, कैंडिडेट अपने गांव से बाहर जाते हैं कई बार, अच्छा कैंडिडेट दे दो, यहाँ विकास हुए हैं, यहाँ 40 करोड़ रुपए लगे हैं कैप्टन साहब के राज में, इस गांव बेटवाड़ गांव का 40 करोड़ रुपए खर्च किए कैप्टन साहब ने, तो लोग काम की चर्चा है और काम को ही लोग पसंद करते हैं। यहाँ पानी नहीं थे पीने के, स्कूलों के बहुत बुरे हालात थे, कैप्टन साहब ने काम किए,
काम पे वोट मिल रहा है इसमें। 36 बिरादरी चाह रही है कि दोबारा कैप्टन साहब एक बार मंत्री बने और हल्के के काम बने, फिर से जो रुके काम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो नमस्कार सर। आप ही देखो जी कितना बढ़िया माहौल है, इस तरफ घुमा लो उस तरफ घुमा लो, सारी जगह बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या लगता है आपको कितने जो प्रोग्राम है इस समय, कितने प्रोग्राम हुए होंगे अपने? कम से कम 60-70 प्रोग्राम तो आ जाए हुए। 60-70 प्रोग्राम? जी बिल्कुल है पेटवाड़ गांव में। हाँ जी हाँ। एक दिन जो खंडा में भी प्रोग्राम करे थे जस्सी पेटवाड़ में। जी हाँ, जस्सी के भी पेटवाड़े वाले हैं, जस्सी के भी खंडा में प्रोग्राम थे, चाय पानी के भाई है, अब हमारा गुआंडी है, दिन रात आओ, कैप्टन साहब इधर आओ, सबका धन्यवाद है, अपना उनके घर है, गांव है, जस्सी भी इधर का ही है, कैप्टन साहब भी इधर की है, किसी का विरोध थोड़ा ही है, हम तो जो भी आएगा उसका मान सम्मान आदर सत्कार करेंगे। खंडा में भी कह रहे थे कि जो जाए। नहीं वो तो क्या विकास चाहिएगा लोग कई बार कमेंट आवा लोगों के बोला कैप्टन साहब हमारा गोड्डा मोड़ मैं सब गोड्डा मोड़ तो काम की काम में कौन पहुंचा जाना भाई घणा करे आदमी है ये तो एक वित्त मंत्री दादा पूरा हरियाणा संभालना तो होता था मिलन को नहीं आए आए मिलन जब टाइम लगा तो आए भी है वो कई लोग नुगा कोठी पे चले जाते तो नुगा देते कैप्टन साहब यहां है नहीं ये सिर्फ अफवाह है मजबूती के लोग हैं कोठी पे गए तो सबको आदर सत्कार मिला है सब कुछ पूछा है कैसे आए क्यों नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं सर भी बहकाने वाले लोग हैं। नमस्कार नमस्कार। चलो भाई इस समय ये लाइव तस्वीर है इस समय पेटवाड़ में तो आप देख लग रहे हो 30 से 40 जो है प्रोग्राम वो बताए गए कैप्टन साहब के और इस समय पेटवाड़ गांव में तो इस समय लाइव मौजूद है। चलो भाई वीडियो ना कर दियो शेयर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Oh, okay.